students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you and explain to you of the chapter electricity for class 10. First of all, dear students, ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ नोट्स इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण नोट्स, वो सारे चीज बेसिक फैक्ट्स जो भी होते हैं, आधारभूत तथ्य इस चैप्टर से जुड़े हुए, और सारे चीज मैं आपको नित्य दिन शेड्यूल के अनुसार आपको मैं भेज चुका हूँ. और आपकी मांग भी रही है कि वीडियो तो कराना ही था मुझे, क्योंकि मैं जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो विज्ञान विषय आप समझेंगे कैसे. तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद संबंधित नोट्स इस सारे टॉपिक्स को समझने के बाद उसे याद करेंगे और लिखेंगे. देन कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है, इसका हिंदी मीनिंग विद्युत. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत. तो इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस and flow of electric charge. Or in other words, we can say that electricity is a transmission medium for electrical energy. Like seawater is the transmission medium for wave energy. Dear students, vidyut jo hai, electricity is the presence of electric charge. Yani kehne ka matlab hai, vidyut jo hoti hai वो विद्युत आवेश की उपस्थिति एवं प्रवाह होती है. विद्युत आवेश की उपस्थिति एवं प्रवाह होती है, यानी विद्युत जिस किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात कि यह विद्युत चैप्टर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो विद्युत होती क्या है. तो आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी विद्युत जो होती है वो आवेश की उपस्थिति, विद्युत आवेश की उपस्थिति एवं इसके प्रवाह को विद्युत कहते हैं. ओके मैंडेट. दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ ट्रांसमिशन TRANSMISSION ट्रांसमिशन मीडियम फॉर इलेक्ट्रिकल इनर्जी. लाइक सी वाटर इज द ट्रांसमिशन मीडियम फॉर वेव इनर्जी. जैसे आप देखते होंगे, आप इसको समझते होंगे अच्छी तरह से कि वेव एनर्जी जिसको कहते हैं तरंग ऊर्जा, तो तरंग ऊर्जा का प्रवाह किससे? सी वाटर से. तो सी वाटर इज द ट्रांसमिशन मीडियम फॉर वेव एनर्जी. उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इज अ ट्रांसमिशन मीडियम फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी विद्युत जो है वो विद्युत ऊर्जा का प्रवाह है, फैलाव है, विस्तार. तो वो मैं आपको लिखता हूं, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ ट्रांसमिशन मीडियम फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइक
sea water is the transmission medium, for wave energy. अर्थात सी वाटर जो है वो वेव एनर्जी का ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी ऐसा माध्यम जो फैलाव करती है तरंग ऊर्जा। तो सो वी कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ट्रांसमिशन मीडियम फॉर इलेक्ट्रिकल और ये विद्युत जो आप कर रहे हैं कि विद्युत जो है वो आवेश का की उपस्थिति एवं बहाव विस्तार है। तो ये विद्युत जो आवेश का बहाव एवं आवेश की उपस्थिति एवं बहाव या विस्तार है, तो आखिर ये विद्युत प्राप्त होने से विद्युत जो हमारे पास आई, ये स्रोत जो आई एनर्जी की, एक सोर्स जो है, इससे आप देखते हैं कि आपका दैनिक जीवन कितना आसान हो रहा है। दैनिक क्रियाएं जो भी डेली एक्टिविटीज है, यानी लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटीज आपको करने की जरूरत होती है, जो भी क्रियाएं करने की जरूरत होती है, इस इलेक्ट्रिसिटी से कितना आसान हो गया। आज हम चंद क्षणों में एनर्जी को कन्वर्ट करके, एनर्जी कन्वर्टर से एनर्जी को कन्वर्ट करके आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप चंद क्षण में एक कुंजी यानी स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लगी हुई एक स्विच देते हैं और लाइट ग्लो कर जाती है, पूरा कमरा या पूरा जहां पे आप रह रहे हो पूरी तरह प्रकाशमान होता है, दीप्तिमान हो जाता है। तो यह एक ऐसा स्रोत है, यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो 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 जिसमें आवेश की उपस्थिति एवं आवेश का प्रभाव है। आई थिंक इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विद्युत है क्या। यदि नहीं समझे तो फिर आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ट्रांसमिशन मीडियम फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम या इस पृथ्वी पर प्रदत्त, पृथ्वी पर प्राप्त, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं, जो ऐसे सजीव जो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं, जैसे कि क्राइटेरिया लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया में है, लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी भी है कि आप मूवमेंट, बहुत सारे जीव हैं जो मूवमेंट करते हैं, कुछ लोकोमोशन करते हैं। तो हम यहां से वहां जाते हैं, तो हमारे यहां से वहां जाने के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए भी एक माध्यम होता है, और वो माध्यम है ये पथ या रास्ता। तो वो रास्ता क्या है, तो ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर, हम इस रॉक्स क्रस्ट पे, रॉक्स के क्रस्ट पे यानी इस पृथ्वी पर, इस मिट्टी हम गमन करते हैं। चाहे आप उसको आप कंक्रीट का बना ले, या कंक्रीट का बना ले, हाईवे बना ले, या जनरल, लेकिन हमारा माध्यम क्या है, चलने का, गमन करने का, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होने का, तो वो है सड़क, सॉरी पृथ्वी। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस कि लाइट का मीडियम एयर में भी होता है, प्रकाश भी, प्रकाश को भी फैलाव करने के लिए। तो जैसे हमारे बहाव, हम बहाव नहीं लिखते हैं, या मनुष्य या जानवर के बहाव को है एक जगह से दूसरे जगह तक विस्थापित होने को हम फ्लो नहीं कहते हैं, और ग्लो नहीं कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। उसी तरह चूंकि हमको एक माध्यम चाहिए, लाइट को भी ऊर्जा थी, प्रकाश को भी गमन करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, फैलाव करने के लिए, फ्लो करने के लिए प्रकाश भी कैसे फैलती है, एयर द्वारा। फिर एयर से, मान लो आप एयर से फिर दूसरे में लाइट इंटर करती है, तो फिर रिफ्रैक्शन का केस होता है, ये दूसरी बात होती है। लेकिन एक किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक विस्थापित होने के लिए, चाहे वह उसका चलना कहलाए या गमन करना कहलाए या फैलाव कहलाए या विस्तार कहलाए, जिस सूरत में, लेकिन उसको एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या होती है, तो आखिर विद्युत को भी गमन करने के लिए, पास प्रवाह होने के लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम है कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू कंडक्टर।
तो कंडक्टर किसे कहते हैं? जैसे हम रोड से होके गुजरते हैं, रोड पे चलते हैं, जानवरें भी चलती हैं, लाइट एयर से इंटर करती हैं, उसी तरह हमारे प्रवाह के लिए विद्युत भी प्रवाह किस चीज में कहते हैं? सिंपली हमने कह तो दिया कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो वो किस में हो, किस चीज से फैले, तो ये एक माध्यम जो होती है वो माध्यम जो है वो कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स होता है सुचालक। सुचालक यानी एन आइटम विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज लिसन टू। कंडक्टर पहले मैं आपको बता दे फिर लिखता हूं। एन आइटम विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी, an item which allows electricity to move through it, to move through it is called conductor. Okay, I repeat again. An item which allows electricity to move through it is called conductor. अर्थात कहने का कि एक ऐसी वस्तु जिससे विद्युत का प्रवाह हो, विद्युत बहे, उस वस्तु के द्वारा उसे हम सुचालक कहते हैं। तो कॉपर वायर्स एंड अदर मेटल आइटम्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज कॉपर वायर, सिल्वर एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कंडक्टर के बारे में अच्छी तरह से बताया, फिर से आप इसको समझे। सुचालक, कंडक्टर यानी एक ऐसी वस्तु जिसके द्वारा विद्युत आवेश बहे, विद्युत आवेश का प्रवाह हो, उसे हम सुचालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। एन आइटम विच फ्लोज इलेक्ट्रिसिटी टू मूव थ्रू इट इज कॉल्ड ओके, ये कंडक्टर। अभी स्टूडेंट्स आप महसूस कर रहे होंगे कि मैंने आपको जो नोट्स दिया और अभी जो डिफिनेशंस मैं आपको बोल रहा हूँ या लिखा रहा हूँ वो डिफरेंट है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि आप जितनी बार निचोड़ अर्थ वही होना चाहिए, आपको मैं वही वे बताना चाहता हूँ कि आप उसका किसी भी टॉपिक को विज्ञान विषय के किसी भी पदों का अर्थ समझिए, आप उसको अच्छी तरह से अपने जेहन में बैठाइए, समझिए वो डिफिनेशंस आप याद रखें। डिफिनेशंस तो कई विभिन्न पुस्तकों में कई उसके लैंग्वेज का उसका भी अलग होगा, लेकिन आपको निचोड़ होना, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसका मूल चीज पता होना चाहिए कि आखिर यह क्या है, तो आप किसी भी तरह से उसको डिस्क्राइब या एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो वही आप जितनी बार पूछेंगे हम उतने तरीका से बोल देंगे, इसलिए कि क्योंकि एक ही चीज याद नहीं, उसका अर्थ मुझे, उसका अर्थ आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी कई तरह से उसका अर्थ एक ही होगा लेकिन एक्सप्रेस कई अलग अलग वे से कर पाएंगे। तो ये कंडक्टर आप समझे, कंडक्टर किसे कहते हैं। अब है इंसुलेटर। तो पहले मैं कंडक्टर आपको लिख दूं, कंडक्टर किसे कहते हैं। तो कंडक्टर मीन्स सुचालक, सुचालक। एन आइटम व्हिच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू मूव थ्रू इट इज called a conductor. Okay, dear students, conductor का आपका concept clear हो गया होगा, I hope, मुझे आशा है पूरी अच्छी तरह से। यदि इसके बाद भी कोई परेशानी आएगी तो आप पूछ सकते हैं conductor। अब dear students, conductor तो आप समझ लिए कि एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी वस्तु जिसके द्वारा विद्युत जो है आसानी से प्रवाह हो, उसे हम एक ऐसा माध्यम जिसमें आसानी से विद्युत को प्रवाह होने की अनुमति हो, सहमति हो या प्रवाह हो, उसे हम सुचालक कहते हैं। अब है डियर स्टूडेंट्स इंसुलेटर। आप देखते होंगे डियर स्टूडेंट्स कि देखते होंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन को, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन को इंसुलेटर
मीन्स कुचालक, कुचालक, कुचालक। तो आप देखते होंगे कि जिस वे से आप प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है, तो आप देखते होंगे कि हमें जैसे आप विद्युत वायर जो है, विद्युत की जो तार है, इलेक्ट्रिकल वायर जो है, वो ट्रांस वो जो है यहाँ से लेके और मैंने अनेक दूर अनेक जगहों पर जाती है, तो आप देखते होंगे कि उसके सपोर्ट के लिए हम एक पोल्स, एक खंभे का इस्तेमाल करते हैं उसके तारों को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए। तो हम पोल के द्वारा उसको सपोर्ट देते हैं और पोल के ऊपर एंगल बना के उस वायर को उसके सहारे बांधते हैं। अर्थात कहने का तो उस जहां बांधते हैं तो आप देखते होंगे कि एंगल में लगा के एक मेटल दिखता होगा, एक एलॉय दिखता होगा, सॉरी मेटल नहीं, एक एलॉय दिखता होगा, जो जिसमें वह इलेक्ट्रिकल वायर, जितनी भी वायर जाती रहती है वह बांधी हुई रहती है। तो सोचने वाली बात है, आप समझना चाहिए आपको, आप समझिए इस चीज़ को कि यदि वह कंडक्टर होता, वह जो आइटम के साथ जो वायर बंधी हुई है, अगर वह कंडक्टर होता तो आसानी से पूरे पोल से के द्वारा अर्थ यानी चार्ज का ट्रांसमिशन नीचे तक आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं। उसमें आप देखते होंगे एलॉय का बना हुआ एक इंसुलेटर लगा होता है, जो आप पत्थर के आकार का देखते होंगे, पत्थर के जैसा वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट इजली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट एंड साउंड टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। आई रिपीट अगेन माय डियर लवली स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अ मटेरियल और अ सब्सटेंस that does not easily allow to electricity, heat, sound, that does not easily allow to electricity, heat, light and sound to pass through it is called insulator। अर्थात कहने का मतलब कि एक पदार्थ, a material or an object, मैंने एक पदार्थ या एक वस्तु जो जिसमें आसानी पूर्वक से या पूरी तरह से आवेश का प्रवाह ना हो, उसे हम आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज का प्रवाह ना हो, ऊष्मा का प्रवाह ना हो, ये प्रकाश का प्रवाह ना हो, ध्वनि का प्रवाह ना हो, उसे तो चूंकि हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक में ही के बारे में समझते हैं कि ए मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट इजली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हो कि सर आपने अभी बताया कि ए मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट does not easily allow to electricity, easily allow क्यों बोल रहे हैं, सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि that does not allow electricity। तो मैं आपको for your kind information मैं आपको बता दूँ कि आप direct allow, that does not allow नहीं बोल सकते, क्योंकि अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आप एक लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी से negative terminal को आगे बढ़ाते हैं, मोड़ के negative terminal क्या है, positive क्या है, negative charge क्या है। आप आपके घर के पास से जो इलेक्ट्रिक वायर गुजर रही हो उसको छूते हैं आप, या कोई इलेक्ट्रिक वायर कंडक्ट करा रहे हो, अगर वो सूखी हुई लकड़ी हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगती। लेकिन उसी लकड़ी, वही लकड़ी या तो कच्ची हो यानी मॉइस्चर उसमें नमी ज़्यादा हो, या उस गलती से संजोग से वो भीगी हुई हो, और यदि उससे आप किसी भी तरह से वायर से जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है चार्ज उसके कंडक्शन में चले जाते हैं, तो आपको आप इंजोर्ड हो सकते हैं, आपकी मौत भी हो सकती है और आप इलेक्ट्रिक शॉक में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, वही लकड़ी पहले जब सूखी थी तो जब हम
उसको इलेक्ट्रिक वायर में जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज हो रहा है, कंडक्ट करा रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रही है। और वही अभी भी यहाँ के और उसको कंडक्ट करा रहा है, मतलब उसको टच करा रहा है, हम इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है। ऐसा क्यों? तो मैं आप ये तो केमिस्ट्री की बातें हैं, आप समझिए इस चीज़ को। आपने मेटल्स आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मैटर्स एटम्स ये सब के बारे में, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि एटम हैविंग स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड में ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में बहुत ज़्यादा, आप समझते हैं। तो चूंकि सॉलिड में थोड़ा कम होता है, तो जब सूखी रहती है तो उसके एक एक आणविक कणों के बीच, एक एक आणविक कणों के बीच गैप थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही भिंगा देते हैं आप, तो उसका एक एक कण एक दूसरे के पानी के सहारे, वाटर मॉलिक्यूल्स के सहारे एक एक कण एक दूसरे के कंटेक्ट फोर्स में आ जाता है, कंटेक्ट में आता है, जिसके कारण आसानी से वही भिंगी हुई लकड़ी में इलेक्ट्रिक शॉक हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, चार्ज इलेक्ट्रिक शॉक लगती है भिंगी लकड़ी को टच कराने से, और यदि सूखी कराते हैं तो नहीं कराते। तो ये इंसुलेटर है, इसलिए हम दैट डज नॉट अलाउ नहीं बोल सकते, दैट डज नॉट इजिली अलाउ बोल सकते। ओके माइंडेड? अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको, अब अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट इजिली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट एंड साउंड टू पास थ्रू इट इज, टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके मन में इंसुलेटर का कंसेप्ट तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया कि एक ऐसा पदार्थ या कोई वस्तु जिसमें आसानी पूर्वक से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह न हो, उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो ऐसा क्या है? तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप घर में ही अगर वायर कंडक्ट करते होंगे, यदि आपके पास विकल्प प्लास्टिक का नहीं होता होगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए लोगों, चूंकि आप दो वायर को कंडक्ट करा रहे हो और उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर प्लास्टिक नहीं होती है, रबर नहीं होती है, तो आप क्या लगा देते हो? कपड़ा। क्यों लगाते हो कपड़ा या प्लास्टिक क्यों लगाते हो? क्योंकि कंडक्शन नहीं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि प्लास्टिक्स, एग्जांपल देखें आप, प्लास्टिक्स, रबर्स एंड क्लॉथ्स, एक्सेट्रा, इटीसी, ये इंसुलेटर्स और भी इंसुलेटर्स। यहां तक का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पूरी एक एक बातों को मैं सोच रहा हूं कि आपके जेहन में, आपके रूम रूम में चली जाए, क्योंकि विज्ञान विषय आप पूरी अच्छी तरह से विज्ञान और गणित विषय नहीं समझेंगे, कहीं से भी कोई चीज खामियां रह जाएगी तो आप अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। और यह आप याद करके पास तो हो सकते हो किसी परीक्षा में, लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं निकल पाओगे और कुछ अच्छा नहीं बन पाओगे। तो एक एक बातों को मैं आपको दर्शा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। अब ये आप जान लिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसके द्वारा किस होके बहती है, किस में नहीं बहती है, प्रवाह नहीं होती है। अब जो बहती है वो क्या है आखिर? ये इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहती है? उसके बाद किस हो के बहती है? कंडक्टर। किस से नहीं बहती है? इंसुलेटर। अब क्या बहती है? यानी बहती तो चार्ज है, फ्लो, तो आखिर चार्ज है क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ चार्ज क्या है, इसको गौर से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। चार्ज, मैं इसका डेफिनेशन समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले समझूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने महसूस किया होगा कि आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे इसके उदाहरण है, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़े होंगे।
आपका बाल यदि सूखा हुआ हो और आप कंघी से रब्ड करते हैं, कंघी करते हैं, तो आप देखते होंगे कि स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर इसमें अट्रैक्ट हो जा रहा है। स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर, आप सूखे बाल में कंघी करते हैं, रब्ड करते हैं कंघी, और उस कंघी को इस को रख देते हैं, और यदि उस जगह स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर है तो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर उस कंघी में अट्रैक्ट हो जाता है। तो आखिर है क्या ये, क्यों अट्रैक्ट हो गया? यह चार्ज, चार्ज मीन्स आवेश, रगर या प्रतिकर्षण को ही आवेश है। रगर हिंदी क्यों बोल रहा हूं मैं, आप समझिए, हिंदी बोलना आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप पूरी दी नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में भी मैं लगातार बोल सकता हूं आप, लेकिन वो पूरी तरह अच्छी तरह आप नहीं समझ पाएंगे, तो इंग्लिश के बाद हिंदी भी समझना मैं अपने समझ से समझ रहा हूं कि आपको समझाने के लिए मुझे जरूरत है बताना, तो मैं ये बता रहा कि रगड़ या प्रतिकर्षण को या एक अप्रत्याशित बल एकाएक लग जाती हो, जैसे आपकी उंगली कहीं कटी हुई हो और संयोग से आप हैंडपंप, आपकी अभी उंगली नहीं कटी हुई और आप हैंडपंप से पानी डाल रहे हो उस हाथ पे, या हाथ नहीं कटी हुई हो तो कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होती, लेकिन उंगली या हाथ कहीं पे कटी हुई या कोई भी बाहर जो धो रहे हैं, अगर हैंडपंप से उस पर पानी की धारा डालते हैं और जहाँ कटी होती है तो एकाएक झटका जैसा महसूस होता है, झटका जैसा, तो झटका क्या है? एक अप्रत्याशित बल का महसूस होना, एक्सपीरियंस ऐसा पर एक्सपीरियंस करना कि ये लॉट ऑफ प्रेशर, ए लॉट ऑफ फोर्स, एक तरह का मतलब अप्रत्याशित बल जो एकाएक मेरे शरीर में पहुंच गया, वो क्या है? तो आवेश है श्रीमान, ये सब आवेश है। तो आवेश क्या है? तो रगर या प्रतिकर्षण को आवेश कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दर्शाना चाहूँगा, जैसे आप अपने शरीर के बनावट में, आपकी शरीर की जो बनावट है उसमें आप जो स्केलेटन सिस्टम समझते हैं, आप कंकाल तंत्र जिसको आप कहते हैं, हड्डियों का ढांचा, तो हड्डियों का जुराब है उसमें आप समझते हो, आप देखते हो, कभी कभी आप महसूस करते हो कि आप कुर्सी, आप केहूनी एल्बो, केहूनी के सहारे अगर आप कुर्सी पर बैठे हो और एकाएक जिसपे आपने केहूनी टिकाई हुई हो हट जाते हैं और वो केहूनी किसी से सट, किसी के कंटेक्ट में चली जाती है किसी ठोस चीज के, तो एक करंट जैसा महसूस होता है। तो आखिर है क्या? तो एक तरह का बहुत कम समय में एक तरह का एक अप्रत्याशित बल जो हमारे शरीर में एक तरह का एक नया एहसास उत्पन्न कराता हो उसे हम आवेश कहते हैं। यानी ये चार्ज क्या है, रगड़ या प्रतिकर्षण? आप कहिए सर ये तो आप बता रहे हैं, तो चार्ज है तो मैं लिखा भी रहा हूं, देखेंगे इसको। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब कहिएगा सर ये आप क्या बता दिए, रगड़ या प्रतिकर्षण बताए, अब आप यहां लिख रहे हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डिफिशियंसी, इट इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ नया टर्म का इस्तेमाल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि आप जिस वर्ग के अनुसार, वर्ग आपका दसम है, क्लास टेन है, तो क्लास टेन के स्तर से हमको बताना होगा। यही चीज सेवन एट को बताना होता कि चार्ज क्या है, तो उसको अलग तरीके से बताई जाएगी सेवन सिक्स, लेकिन आपको पढ़ाना है इसलिए आपको उस तरीके की बात आप जब तक मैं बताऊंगा नहीं। जनरली मैंने बताया कि रगर या प्रतिकर्षण या प्रत्याशित बल या कई एग्जांपल्स देके मैंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन जो एक लीगल मैंने एक विज्ञान के व्यू से, विज्ञान के दृष्टिकोण से, जो इस फैक्ट के दृष्टिकोण से जो एक सही मीनिंग, सही परिभाषा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए मेरे सेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर आपको ध्यान होगा तो आप समझते होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु के अंदर प्रोटॉन, उसके अंदर न्यूक्लियस और
उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। वो मैं आगे बता रहा हूँ, वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज निगेटिव चार्ज। तो बताते हैं पहले, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरी बातें क्लियर होगी, आगे मैं फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ, तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी कि एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माने ज्यादा होना और कम होना इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, जिसके कारण यह गुण उत्पन्न होता है जिसे आवेश कहते हैं। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इसको, ध्यान देंगे। जैसे अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, यानी कूलॉम कहने का सेंस है कि कूलॉम एक्चुअली है क्या। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम कहने का सेंस है कि हम हर चीज को एक मापक से मापते हैं, कोई ना कोई मापक होता है उससे मापते हैं। तो ये मापक क्या है? जैसे हम आलू खरीदते हैं, कहीं से आलू लेते हैं या किसी को बेचते हैं, यानी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं, आयात या निर्यात करते हैं, तो हमें इसके लिए उसकी मापक की जरूरत होती है, यानी वेट्स एंड मेजरमेंट्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न क्षेत्रों में अगर एक ही वस्तु का, पृथ्वी पर प्राप्त एक ही वस्तु का अनेक जगह पर अनेक मांग हो, तो क्या जीवन संभव होगा? क्या एक देश या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आयात एवं निर्यात संभव हो सकेगी, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट उसकी संभव हो सकेगी, उसका कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे? तो कन्वर्जन करने में ही हमारी जीवन समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए एक मापक बनाने के लिए एक मंत्रणा होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट नियर पेरिस इन फ्रांस, यानी पेरिस में, जो फ्रांस में है, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स की आपको कमिटी बनाई गई और आज भी है वो, जो मापक और परिमाण का जो ध्यान रखती है, वो सारे साइंटिस्ट मिलकर इस गतिरोध को दूर करने के लिए कि आखिर आप अपने यहाँ किलो में तोलेंगे आलू को और हम अपने यहाँ कैची में पीस वाइज गिनेंगे, तो क्या पीस में भी आलू, अगर एक छोटा सा एग्जांपल है, आलू अगर लेंगे तो आलू की आकार भी समान नहीं है। यदि पीस वाइज भी हम बेचना शुरू करेंगे तो किसी आलू की आकार बड़ी है, कोई छोटी है, उससे छोटी है, यानी कहने का मतलब है कि अनेक इसी आलू में कोई आलू एक आकार का मिलेगा नहीं, अगर कुछ मिलेगा भी तो थोड़ा मोड़ा इधर से उधर उसके आकार में परिवर्तन रहेगा। तो फिर किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे, आयात या निर्यात कर पाएंगे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसी भी वस्तु को, चाहे आप वायल हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, कैसे मेजरमेंट कर पाएंगे? तो इस चीज़ के लिए ही एक कमेटी बनी और वही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स नियर पेरिस इन फ्रांस, वहाँ पे सारे साइंटिस्ट एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, जिसको हम SI यूनिट्स कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए जिसको SI यूनिट्स कहते हैं। और वो SI यूनिट्स जो इसके लिए निर्धारण हुआ चार्ज के लिए, वो कूलॉम हुआ। तो ये कूलॉम है, और ये कूलॉम क्या है? तो चूंकि कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम वाज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, बहुत बड़े भौतिकवेत्ता थे और उन्होंने इस नियम को दिया था, इसलिए उनके नाम पर, जैसे आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स, द SI यूनिट, मैंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फोर्स का न्यूटन होता, बट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/s² बिकॉज 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास, द SI यूनिट ऑफ मास इज kg एंड SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज m/s², सो द SI यूनिट ऑफ फोर्स इन MK सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सिस्टम, इज
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो उसी तरह 1 कूलम है वो कूलम है। ओके माइंड, अब आप सोच रहे हो कि सर आप कहे कि इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स है क्या, इसको मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। बस सीधा यह ध्यान रखिए कि यह एक ऐसा गुण है, यह एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रॉन्स के घटने से या इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से प्राप्त होता है, वह आवेश कहलाती है। तो यह आवेश क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आवेश क्या है, आवेश किस, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो चर्चा हम किए कि एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या, प्लीज ये केयरफुली ध्यान से इसको देखेंगे और इसको समझेंगे वो क्या है। Dear students, you have already studied in the previous class of 9 what is atomic structure and the, what are the basic facts related to the chapter atomic structure of atom, not atomic structure, structure of atom. So, देखिए, dear students, आप जानते होंगे कि एक सेल, एक वस्तु, इसके अंदर, इसके सेंटर पार्ट में यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हुआ। अब ये न्यूक्लियस हुआ तो आप जानते हो न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर। अब ये आप कहिएगा कि क्लास 9 की चीजें आप इसमें बताएं तो ये मुश्किल की बात है, अब ऐड क्लास 10 में सिखाने के लिए कहिएगा तो मुश्किल की बात है, बट क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं उसी को हम बताते हैं आपको कि 10 में इट इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जानते हो कि एक वस्तु में एक जो सेल है उसमें एक उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंटर पार्ट भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, सेल कोई भी वस्तु सेल ही है वो, उसके उसमें एक न्यूक्लियस पाई जाती है और न्यूक्लियस में दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो चीज होते हैं, दो चीजें होती है, वो होता है प्रोटोन, न्यूट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। अब आप देख रहे हैं तो सर आप चार प्रोटोन क्यों दिए और 3 न्यूट्रॉन के दिए, मैं आपको बताता हूं। प्रोटोन इज नोन एज, प्रोटोन जो होता है इसमें, अब ये पहले बताते हैं उसके बाद, ये प्रोटोन और ये न्यूट्रॉन लिए, अब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखिए ध्यान से, तो आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये समझने की चीज है कि ये केमिस्ट्री में आप क्लास 9 में पढ़ा होगा कि आप मैंने यहाँ चार प्रोटॉन लिया, चार प्रोटॉन ये 3 न्यूट्रॉन्स। अब देखें आप जानते हो कि आउटर मोस्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के आउट, फर्स्ट जो सेल है उसका, उसमें आउट क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड के आउटर मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट सेल में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और सेकेंड सेल में अधिकतम से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने 2 ही लिया, आप हमने इस उदाहरण के लिए मैं इसको समझा रहा हूं कि एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज क्या होता है, वह गुण कैसे आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप यहां पर You already know that neutron has no charge. It is neutral. आप अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जो दिख रहा है आपको, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, न्यूट्रल कह सकते हैं आप इसको, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्जिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में नो चार्ज। तो आप यहां देखिए इस चीज को समझिए, आपने यहां देखा कि अगर इसमें
4 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 नेगेटिव चार्ज हैं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो आप यहां देखिए कि 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज चार, पॉजिटिव चार्ज भी चार। तो जरा गौर करें, ये कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुए, तो क्या कोई चार्ज बचा? तो जब कोई चार्ज नहीं बना बचा तो नो नेट चार्ज। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें क्या होगा? नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज। याद करने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों समान हैं, तो नो नेट चार्ज। ये नो नेट चार्ज अर्थात इसमें नो नेट चार्ज है। लेकिन ऐसा मत कहिएगा कि इसमें चार्ज नहीं हुआ, चार्ज तो है, चार्ज तो है, लेकिन नो नेट चार्ज। एक्चुअली जो नेट चार्ज है वो नो नेट चार्ज। अब दूसरा फिगर के द्वारा मैं इसको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान देंगे फिर से एक बार पुनः इसको देख लें। एक आइटम है, एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। सेंटर पार्ट में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस में प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन है, ये दे दिए हम 4 प्रोटॉन्स 9 न्यूट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वैलेंसी से रिलेटेड हर चीज आप पढ़े होंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट शेल में अधिकतम 2 हो सकती है, दूसरे सेल में अधिकतम 8 हो सकती है। तो 2 मैंने लिया, यानी यदि प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन, ऐसा क्यों लिया? यदि प्रोटोन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों किसी भी वस्तु में, यदि प्रोटोन एवं इलेक्ट्रॉन की दोनों की संख्या समान हो तो नो नेट चार्ज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन एक्चुअल नेट चार्ज कुछ सो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज फील नहीं होगी, एक्सपीरियंस एक जो फोर्स होती है वो नहीं होगी। लेकिन अभी आपको मैं दूसरे फिगर से बता रहा हूं, जरा इसको देखेंगे ध्यान से। दूसरे फिगर को देखिए और दूसरे फिगर से समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, इसमें तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल में, फर्स्ट सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होती है, तो 2 दे दिया। सेकेंड सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, लेकिन एक ही दी, क्यों? तो हमको डिफिशियंसी और एक्सेस दोनों दिखाना है। तो एक बार तो हमने नो नेट चार्ज करके आपको दिखा दिया, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और किस तरह। तो देखिए आप इसमें क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं और पॉजिटिव चार्ज तो आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव चार्ज बच गया यहाँ, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, चार्ज आया, एक्सपीरियंस फील हुई, चार्ज चाहे पॉजिटिव भी लेकिन एक्सपीरियंस चार्ज फील हुआ है। तो यही है एक्सेस और डिफिशियंसी, यानी ये कम गया ये, यानी लेकिन इसमें कमने के बाद भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कमने के बाद भी आपको चार्ज फील हो रही है, चार्ज महसूस हो रहा है। 3 और 3 ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव बच गया, अभी तो ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, चार्ज तो आया, तो नो नेट चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज इसका क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। नेट चार्ज इसका क्या हुआ? पॉजिटिव। दूसरा फिगर आप देखें, ये तीसरा फिगर आप देखें,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें हम देखें प्रोटॉन्स की संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉन 5 है। तो आप यहां देखें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव 4, यानी प्रोटॉन्स 4, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हुए, ये बच गया, तो इसमें नेट चार्ज क्या आई, नेगेटिव आया। तब इसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है हमें इसका, यानी हमने तीनों विधियों से जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप पढ़े थे क्लास में, इसमें क्या देखा, यदि प्रोटोन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो आवेश प्रदर्शित नहीं होती, उसका नेट चार्ज कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें आवेश नहीं है, लेकिन यदि या तो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाए, जैसे बढ़ा हुआ तो नेगेटिव चार्ज होगा, या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए, तभी आवेश का प्रदर्शन होता है, आवेश प्रदर्शित होकर दिखती है। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और यह एक ऐसा गुण है, आवेश एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रॉन्स की का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन्स के घटने के कारण प्रदर्शित होता है। आई थिंक यू माइंड इट अच्छी तरह, मुझे आशा है कि आप आज पढ़ाए गए चीज़ों को अच्छी तरह से समझे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि वीडियो क्लासेस को पूरे ध्यान से अच्छी पूर्वक, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा हो, या बायो पढ़ाया जा रहा हो, इसको अच्छी तरह से इसके वीडियो को देखें, सुने और इससे लाभ उठाएं, और किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह की परेशानी के लिए मुझसे संपर्क करें। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके इस पाठ के जो भी तथ्य मैंने आज पढ़ाया उसको पढ़ाने में कारगर, उसको समझने में काफ़ी कारगर साबित होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।